और आप लोग भी सारे पता नहीं किस चीज पे इतनी चक्कर लगी आपको, जो बोलना उस लोग ने चला दिया कि दो स्टूडेंट की मौत हो गई गलत। अच्छा सुनिए एक सेकंड प्लीज, मैं अगर बोल रहा हूँ ना आप लोग ये आपस में बातें मत करिए, मैं फिर डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बोल नहीं पाता, फिर आप फिर लड़ रहे हो उसके बाद, ठीक है। हाँ बोलिए सर, आज का जो पूरी वायलेंस हुई इसमें क्या कुछ डैमेज हुआ? अरे एक सेकंड तू रुक जाना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं क्या आज की जो आज जो पूरी घटना हुई, हिंसा हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे बसें टूटी, और ये भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर घुसी। मैं पहले घटना के बारे में बताता हूँ, एलिगेशन के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये सवालों को ड्रॉप करो, मुझे पहले पूछिए कि घटना क्या हुआ, मैं बताता हूँ। ये तीन दिन से यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे यूनिवर्सिटी एरिया में, जो स्टूडेंट्स पहले कर रहे थे, बाद में स्टूडेंट्स ने भी कल डिसोसिएट किया, बोला कि हम नहीं है प्रदर्शन का हिस्सा, इस तरह से तमाम तरह की चीजें यहाँ पे चल रही है। आज सुबह से जामिया इलाके में काफी लोग अपने अपने ग्रुप्स में इलाके में प्रदर्शन और नारेबाजी इत्यादि इलाके में घूमते हुए कर रहे हैं, शांतिपूर्ण वो कर रहे हैं, उनको पुलिस सहयोग के साथ इसको कराया भी जा रहा था, उनको कहीं पर रोका नहीं जा रहा था। करीब तीन बजे के आसपास, ढाई तीन बजे के आसपास काफी संख्या में भीड़, 1500 से 2000 से भीड़ जो यूनिवर्सिटी इलाका से निकल करके ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने से सराई जुलेना होकर के आगे जाकर के रिंग रोड की तरफ करके नई दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहे, उनको न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो सूर्या होटल है उसी के पास में हमने बैरिकेड लगा करके उनको रोका था, और रोक करके उनको समझाया गया कि वो शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन इत्यादि जो भी करना चाहे वो वहां पे करें, और कोई रिंग रोड को जाकर के जाम ना करें, या वो कोई भी किसी प्रकार के वायलेंस वहां पे तरीका ना अपनाए। तो उन्हीं में से कुछ ग्रुप्स पीछे की तरफ से वो जाकर के रिंग रोड के पास पहुंच गए, माता मंदिर रोड पे, रिंग रोड पे उन्होंने जाम किया। लिहाजा हमारा पुलिस पर्सनल वहां पे जाकर के उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो वहां से जगह से वहां पे हटे और ट्रैफिक को चलने दें और अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखें, लेकिन इस बात को उन्होंने नहीं माना और वो मॉब वहां पे वो तुरंत प्रदर्शनकारी मॉब में कन्वर्ट होकर के वायलेंस वहां पे करने लगे, और वो तैयारी के साथ, उनमें से कुछ ग्रुप्स थे जो जरूर तैयारी के साथ थे, उन्होंने DTC बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस को वहां पे तोड़फोड़ करी, उसमें आग लगाया, और उनको फिर वहां से उसको पुश करने के लिए हमारे पुलिस पर्सनल ने कानूनी कार्रवाई वहां से उन्होंने करते हुए उनको पुश किया, और ये फिर जैसे ही वापस जा रहे थे, वापस जाते हुए उन्होंने पुलिस के ऊपर काफी पथराव भी किया। ये सराई जुलेना चौक पर हमारे पुलिस चौकी के सामने दो मोटरसाइकिलों पे उन्होंने आग लगाई, और वहां पे खड़ी थी दो DTC बसेस उसमें तोड़फोड़ करी। उसके बाद होली फैमिली हॉस्पिटल के सामने जब ये भीड़ को पीछे उनको हटा दिया गया था, तो वहां से वो पथराव करना शुरू किए थे, और पथराव करते हुए वो पीछे उनको पीछे हटाया जा रहा था, हमने उसमें आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए उनको पीछे हटा रहे थे, और वो यूनिवर्सिटी एरिया जो मेन रोड है जो जामिया नगर की तरफ जाता है उसी रोड में वो पीछे जा रहे थे, क्योंकि उसी के अंदर से वो आए थे, उनको पीछे लगातार उनके साथ प्रयास करते हुए उनको पीछे हटा गया, और उसके बाद हमने कम्युनिटी के एल्डर्स के साथ भी हम बातचीत कर रहे थे कि उनको समझाया जाए वो उग्र ना हो और अपने अपने घर में चले जाए, शांति व्यवस्था को कायम करें और ट्रैफिक की आवागमन स्मूथ हो जाए। सर कितने लोग इंजर्ड हुए हैं इसमें? हमारे पुलिस के जो जितनी जानकारी मुझे अभी तक प्राप्त हुई है, पुलिस के 6 लोग अभी इंजर्ड हैं जो इनके पथराव से, भारी पथराव से इंजर्ड हुए हैं, और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, इसकी जानकारी हम बाद में दे पाएंगे। बट व्हाइल वी वर पुशिंग दिस मॉब, दिस वायलेंट मॉब वाज थ्रोइंग स्टोन्स, यू कैन सी ऑल ओवर द रोड, यू कैन सी द हाउ व्हाट काइंड ऑफ बोल्डर्स एंड स्टोन्स दे हैव थ्रोन एट द पुलिस, एंड व्हाइल डिस्पर्स इफ इट वाज अ पीसफुल मॉब इट वुड हैव डिस्पर्स पीसफुली, आई थिंक सो, समथिंग हैज बीन थ्रोन एंड द एंटायर डे दे हैव प्रोटेस्टेड। I am telling you. Please let me complete. If it was a peaceful mob, it would have peacefully dispersed also. It did not, and it has damaged. It has caused damage to public property. It has caused arson, and it has set people the motorcycles on fire. It has pelted stones on us, and we have got injured. And our only interest is to push them back, and so that they get dispersed and the law and order is restored in the area. We have no issues with the university students. And what exactly is the current situation, sir? Because now they have been pushed back on this road that leads to the Jamia Nagar. They were throwing stones. They were going back and again advancing and throwing stones at the police. They are being pushed back so that they finally disperse and go back to their homes, and then they remain peaceful. And we were hearing that police has entered into the premises also. So what exactly? See, it's a very peculiar university. You can see it's not a unified campus, Jamia University. It is located on the both sides of the road. And while this violent mob was, going back means we are pushing them back. They were also going inside the university gates and they were throwing stones from inside. So while pushing them back, we were also trying to check who are the people who are throwing, where from where these stones are being thrown. So we were checking those places. Did the police
fired towards the protesters? No, there has been no firing, absolutely. It's a false rumor that is being spread. Sir, police jo hai Jamia ki library ke andar tak gayi thi, to iski kya zarurat hai? Aapko jaise maine pehle hi bataya ki jahan jahan se pathrav ho rahe the aur jahan se violence ho raha tha, wo kahan se ho raha hai usko check karne ke liye police jagah jagah wahan pe check karte hue unko push karte hue ja rahi thi. साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी विनय बिस्वाल, दोपहर से लेकर शाम तक क्या कुछ हुआ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में खासतौर से हिंसा कैसे भड़की, ये सब कुछ उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया। कैसे दोपहर ढाई से तीन बजे के बीच डेढ़ से लेकर 2000 के करीब लोग जो अब तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे वो सड़कों को जाम करने लगे, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका और इसी बात पर उन्होंने वहां पर हिंसा शुरू कर दी। बसों में आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई, यहां तक कि पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, 6 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी भी हो गए और 2 बाइक में आग लगा दी गई, 2 बसों में भी आग लगा दी गई। दिल्ली को जलाने की साजिश किसकी? दिल्ली को डराने की साजिश किसकी? दिल्ली का अमन बिगाड़ने की साजिश किसकी? दिल्ली को बदनाम करने की साजिश किसकी? विरोध के नाम पर देश को बंधक बनाने की साजिश? तो आज दोपहर से लेकर शाम तक राजधानी दिल्ली में क्या हुआ आपको बताते हैं। दिल्ली के खासतौर से दक्षिणी दिल्ली के इलाकों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ और यह सब कुछ हुआ नागरिकता कानून को का विरोध करते हुए। दोपहर तक शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था लेकिन अचानक से शाम को 1.5 से 2 हजार लोग अचानक से हिंसक प्रदर्शन पर उतर आए, बसों में आग लगाई, तोड़फोड़ की, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो वहां पर पहुंची आग बुझाने के लिए, दमकल कर्मियों पर भी हमला कर दिया गया। आज शाम किस तरह से दक्षिण दिल्ली में प्रदर्शन हिंसक रूप ले गया तस्वीरें आपको दिखाते हैं और साथ ही दिखाते हैं हमारे संवाददाता नीरज गौड़ इसका जायजा लिया। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं ये बस है जो कि क्लस्टर बस है। इस बस को आग के हवाले किया गया, बताया गया कि शाम के वक्त ये बस इस रोड से गुजर रही थी तभी कुछ छात्र थे और उसमें कुछ लोग बाहर के भी शामिल थे और काफी संख्या थी, उसी दौरान इस बस को आग के हवाले किया गया और जो अंदर यात्री बैठे थे वो बड़ी मुश्किल से बाहर की तरफ आ पाए और आप देख सकते हैं पूरी जो बस है वो जल करके राख हो चुकी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए उधर से, बस पत्थर उतर सारे इधर से उठा पुठा के आग चारों ओर से मारने लगा। अच्छा। बस उसके बाद पत्थर उतर मारा, उसके बाद गाड़ी उड़ी खड़ा था, गियर कूड़ के बाइक खड़ा था, उसका पेट्रोल उट्रोल निकाल के बस में मारा, पेट्रोल आग लगा दिया। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये रेड कलर की बस है डीटीसी की, इसमें धुआं आप देख सकते हैं कि किस कदर बाहर की तरफ आ रहा है। ये बस भी जो है आग के हवाले की गई और बताया जा रहा है कि इसमें भी सवारी बैठी हुई थी और जो कुछ जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र थे उनके साथ कुछ बाहर के लोग भी थे और ये लोग लगातार CAA को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और ठीक सामने से बता रहे हैं कि जब ये विरोध प्रदर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे और यहाँ पर आकर के पुलिस के ने उनको रोकने की कोशिश की तभी जो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग थे उन्होंने बस को और यहाँ से निकलने वाली जो गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की और फिर बसों को आग के हवाले कर दिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो शीशे हैं इस बस के वो सारे टूटे हुए हैं और फिर फायर डिपार्टमेंट को जानकारी दी गई, फायर डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा और फिर आग जो लगी थी उस पर काबू पाया गया।
जामिया इलाके में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। अब से कुछ देर पहले हमने जामिया के वीसी से बात की, उनका क्या कुछ कहना है ये आपको सुनवाते हैं। आश्रम एक्चुअली मैम यही पूछना था आपसे कि खबर जो आ रही है कि कैंपस में पुलिस घुस गई है, तमाम चीजें कैंपस में पुलिस है क्योंकि जो जो बाहर सड़क पे लोगों ने जिन्होंने एजिटेशन किया था जो पूरे सब तरफ के मोहल्लों के लोग थे और हमारे नहीं थे वो, उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए ये पुलिस जामिया के सामने की सड़क से भागी है और उसके बाद उनमें से ये डर किससे कि वो लोग हमारे कैंपस में न छुपे जबकि हमने सब दरवाजे बंद कर रखे थे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की ऑडियो और वीडियो है जिसमें लाइब्रेरी में तोड़फोड़ का मैं बता रही हूँ ना, लाइब्रेरी में चले गए वो, वहाँ पे जो लोग बैठे थे बच्चे पढ़ रहे थे उनको भी परेशान किया पुलिस ने और तोड़फोड़ करी है उन्होंने। तो आपकी इजाजत के बगैर पुलिस घुसी है? अरे किसी से पूछा नहीं उन्होंने, हम लोग को तो हमारे घर तक के तो में तो उसकी आंख गैस की बदबू आ रही है। आपकी सारे आपकी किसी से बात हुई कि पुलिस क्यों कैसे घुस गई? मेरे रजिस्ट्रार की बात हुई है जॉइंट कमिश्नर से, उन्होंने कहा मैं तो खुद यहाँ पे हूँ और मैं खुद देख रहा हूँ और सब ठीक रहेगा, मगर ये जो बच्चों के साथ उन्होंने किया ना दिस इज क्वाइट अनपार्डनेबल। तो आप नाराज ठीक है, इसको कल फिर आप लोगों की मीटिंग इस सिलसिले में शायद है कहाँ पे? यहाँ जो मैसेज एक आया है कि ये किस कैसे आप चाहती क्या चाहेंगे अभी क्या, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि जो आपका बयान हो हम उसको शाया करें। हमारा तो बयान यही है ना कि हमारे स्टूडेंट नहीं थे और वो जो भी थे हमारे से कोई कॉल नहीं निकली थी, हम लोग हमारे स्टूडेंट्स हमारे टीचर्स सभी उसका दे रहे हैं, हमने भी दिया है जी। अपना बयान दिया हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी के पीआरओ ने भी दिया हुआ है जी। अजीम ने इससे हमारे यहाँ के लोग नहीं थे और इसलिए कैंपस में घुसने का कोई वजह नहीं, जो भी लोग हैं जिनको वो दौड़ा रहे हैं हमारे यहाँ के नहीं है, हमारे यहाँ के कोई बच्चे का कोई नहीं हुआ ये खबर की किसी कोई बच्चा कह रहा हो मुझे, अंदर बैठे हुए बच्चों ने कहा है कि हमें लाइब्रेरी से मदद कीजिए निकालिए जी जी। तो आप इस पर तो एतराज जताती हैं कि पुलिस को नहीं घुसना चाहिए था? बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए था ऐसे। थैंक यू मैम। लाइब्रेरी से आ रहा है सर, कुछ नहीं उस वहाँ के आदमी सबको बाहर कर रहा है पुलिस अभी। ठीक है सर, हाँ सारे आदमी लाइब्रेरी से आ रहे हैं। और हम अंदर रीडिंग हॉल में थे, वहाँ से आए हम, वहाँ से नहीं नहीं हमारा कुछ नहीं है, हम इनसाइड द रीडिंग हॉल है, वहाँ से निकल के आए हम। तो आप ये देखें कि जामिया यूनिवर्सिटी के छात्र जो कह रहे हैं कि हम लाइब्रेरी से आ रहे हैं, पुलिस वहाँ पर आ गई थी। जामिया के वाइस चांसलर को भी आपने सुना, उन्होंने कहा बिना किसी से पूछे पुलिस अंदर दाखिल हो जाती है और जो सलूक उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया वो सही नहीं है। जबकि दिल्ली पुलिस को भी आपने सुना, उनका ये कहना था कि क्योंकि जो हिंसक भीड़ थी वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी दाखिल हुई थी तो हम उन्हीं को हटाने के लिए उस इलाके में गए थे। दिल्ली में कहां कहां पर ट्रैफिक जाम है, कहां कहां जाने से आपको बचना चाहिए, जिसमें आश्रम चौक है, रिंग रोड है, आउटर रिंग रोड, ये वो इलाके हैं जहां पर सड़क जाम है। प्रदर्शन के कारण इन इलाकों में असर पड़ा है। मूलचंद फ्लाईओवर, यहां जाने से बचें, डीएनडी फ्लाईओवर, दक्षिणी दिल्ली के इलाके सराय काले खां, इसके साथ ही ओखला अंडरपास, सरिता विहार, कालिंदी कुंज, ये तमाम वो इलाके जहां पर इस प्रदर्शन का असर हुआ है, जहां पर तोड़फोड़ और आगजनी की गई जिसके कारण इस वक्त यहां पर ट्रैफिक जाम की स्थिति। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का माता मंदिर रोड है जहां पर उपद्रवियों ने एक के बाद एक बसों को आग के हवाले कर दिया और ठीक इसी रोड पर नारियल की दुकान लगाने वाले विनोद भी यहां पर अपनी दुकान चला रहे थे और विनोद से ही जानते हैं कि आखिरकार कैसे पूरे हालात बिगड़े। विनोद क्या हुआ था अचानक से, कैसे लोग आए और फिर क्या होने लगा? अचानक आए तो हम लोग क्या काम किए, दुकान छोड़ छोड़ के भाग गए। अच्छा, अचानक डंडे उंडे लेके आए थे, डंडे पत्थर उत्थर सब था। कितने लोग होंगे फिर भी अगर देखें? अरे वो तो हजारों के संख्या में थे, हजारों। क्या मुंह पे कुछ कपड़ा बांधा हुआ था? कुछ नहीं, कुछ नहीं बांधा, ऐसे ही था।
हमारे साथ बात करने के लिए रवि हैं, जिस वक्त इन बसों में आग लगाई गई रवि यहां पर मौजूद थे। रवि, अचानक से क्या हो गया था, लोग कहां से आए और फिर क्या हो रहा था? मैं यहां खड़ा था, बहुत से लोग पत्थर अत्थर चलाते हुए आए, बस सवारियां भी थी, पत्थर चला रहे थे, सवारियां का भी परवाह नहीं कर रहे थे, बहुत पत्थर अत्थर बस तोड़ रहे थे, पेट्रोल बाइक से पेट्रोल निकाल निकाल के इसमें डाल डाल के आग लगा रहे थे। अच्छा अच्छा, और सवारी बहुत सी सवारी रो रही थी, इसमें मैं कर लिया, बहुत बहुत परेशान थी सवारी। अच्छा, तो आपने जो सवारी अंदर थी उनको अपने यहाँ पर कोठी के अंदर, गाड़ी के अंदर गेट खोल दिया, मैं अंदर कर लिया, रो रहे थे वो बहुत। पुलिस के भी यहाँ मार दिया या खून निकल रहा था। तमाम यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों से ये पूरी घटना देखी, जिस तरीके से एक के बाद एक लोग यहाँ पर इकट्ठा होते चले गए और फिर इन बसों को आग के हवाले कर दिया। कैमरामैन अरुण के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली के जामिया इलाके से इस वक्त हमारे संवाददाता नीरज गौड़ हमारे साथ हैं। नीरज, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इस वक्त कहीं भी प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली के इलाकों में, या फिर पुलिस ने पूरी तरह से इस प्रदर्शन पर काबू पा लिया? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो डीसीपी हैं साउथ ईस्ट के चिन्मय बिस्वाल, उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि फिलहाल जो स्थिति है वो अभी फिलहाल कंट्रोल में है। और मैं आपको दिखाऊं कि जहां मैं खड़ा हूं यहां से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ही जो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो मेन गेट है वो वहां पर है, और वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। और इसी के साथ अगर यहां पर देखेंगे कि रिजर्व में जो पुलिस फोर्स रखी गई है वो यहां पर रखी गई है, अगर जरूरत पड़ेगी तो यहां से जो पुलिस फोर्स यहां पर रखी गई है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो अभी फिलहाल अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये पूरा रोड है जो कि हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन अभी यहां पर आने और जाने वाले जो रास्ते हैं उनको फिलहाल बंद किया गया है। यहां पर मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के जो गेट है उनको भी बंद किया गया है, लेकिन मेट्रो लगातार चल रही है। और बताया जा रहा है कि जिस वक्त बसों में आग लगाई गई थी, बसों में आग लगाने के बाद जो छात्र थे उनके साथ कुछ बाहर के लोग भी थे, वो इसी रोड से निकले थे, और इसी रोड से निकलने के बाद यहाँ आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थर हैं जिनके जरिए यहाँ पर पथराव किया गया था। नीरज, ये कहना क्या ठीक होगा कि ये जो 1.5 से 2 हजार लोगों की भीड़ थी, प्रदर्शन करती हुई भीड़, ये तैयारी के साथ आई थी बसों में तोड़फोड़ और आगजनी करने के लिए, क्या ये कहना ठीक होगा साजिश के तहत हुआ ये? फिलहाल अभी जिस तरीके से अभी पूरे बिल्कुल जिस तरीके से अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये पूरे साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया है, क्योंकि तकरीबन जो लोग थे जिसमें छात्र थे कुछ बाहर के लोग थे वो जब निकलते, ये कहना कि हम बहुत बर्दाश्त कर लिए, अभी अभी ये कह रहे हैं, कल वो कहेंगे, सारा वीडियो हमने लगाया है। हमें दुख तो इस बात का है कि वो विधायक ये भी कहता हुआ पाया गया कि हमने 3 तलाक बर्दाश्त कर लिया। अरे, 3 तलाक हमारी मुस्लिम बहनों के साथ एक बहुत बड़ा अत्याचार है, उसको आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है? अरविंद केजरीवाल जी जवाब दें, और आप हिंसा फैलाएंगे सड़कों पे, लोगों को उकसा करके, एक बड़ी साजिश थी ये दंगे की, वो तो मैं तो देख रहा हूं, अभी पता कर रहा हूं क्या क्या हुआ है। इस पे कानून को अपना सख्त रवैया अपनाना चाहिए, किसी को भी ऐसी सड़कों पे नंगापन करने की छूट नहीं होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। अपील क्या किया उन्होंने, आप सोचें, वो विधायक लगातार उकसा रहा है लोगों को, पूरी ऑडियो वीडियो सब आ गई, मैंने ट्वीट भी कर दिया है, उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना कि आप प्रोटेस्ट जारी रखो, वेरी सैड, ये बहुत चिंताजनक। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी साफ तौर से आम आदमी पार्टी और उनके विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप लगाते हुए कि यह दंगा भड़काने की साजिश थी, अरविंद केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि उनकी अगुवाई में कोई हिंसा नहीं हुई है, जहां पर वो मौजूद थे वहां पर कोई हिंसा नहीं हुई। उनका पक्ष क्या है ये भी आपको सुनवाते हैं। अमानतुल्लाह की अगुवाई में कुछ बस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर कुछ बसों को जला दिया गया। मैं एक शाहीन बाग में जो सरिता बिहार से यानी कि कालिंदी कुंज से नोएडा की तरफ रोड जाता है, उस रोड पर एक मुजाहिरा हुआ, उस मुजाहिरे में मौजूद था। जहां मैं मौजूद था वहां किसी किस्म की कोई आगजनी की खबर नहीं है, और ये इल्जाम सरासर गलत है कि मेरी अगुवाई में बसों को जलाया गया। 2 मुजाहरे हुए, 1 मुजाहरा न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर हुआ,
जो जामिया से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ रोड जाता है जुलैना की तरफ, और एक मुजाहरा सरिता बिहार से जो कालिंदी कुंज यानी कि नोएडा होता हुआ नोएडा की तरफ रास्ता जाता है उस पर हुआ। उस मुजाहरे में मौजूद था, जहां मैं मौजूद था वहां किसी किस्म की कोई ना आगजनी हुई ना अफरा तफरी हुई, बहुत पीसफुल तरीके से वो मुजाहरा हुआ। ये इल्जाम मेरे ऊपर कि आगजनी मेरी अगुवाई में हुआ सरासर गलत है, इसकी मैं मुखालफत करता हूं। सारे रिकॉर्ड्स वहां मौजूद हैं, एसएचओ शाहीन बाग वहां मौजूद थे, पुलिस वहां मौजूद थी, सीसीटीवी वहां लगे हुए हैं, मेरी अपनी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैं जिस मुजाहरे में था वहां किसी किस्म की कोई आगजनी की खबर नहीं है, ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। अमानतुल्लाह का पक्ष आपने सुना, उन्होंने कहा कि जहां पर मैं मौजूद था वहां पर किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं जो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत है, इस तरह के ऑडियो वीडियो हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक इसे उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुनिया के सामने इस ऑडियो वीडियो को ला रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। लेकिन इस साजिश के पीछे कौन है, दिल्ली जिस तरह से आज जली उसका जिम्मेदार कौन है, यही सवाल हम पूछ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।